नमस्कार, मैं पर्दा में आपका स्वागत है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। वेबवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। यदि क्या इस हमले को आतंकवादियों की बौखलाहट माना जाए? निश्चित ही बौखलाहट है। जिस तरह के कदम सेना ने पिछले एक डेढ़ महीने में उठाए हैं, जिस तरीके से बुरहान वानी सहित तो उसके बाद दूसरे सब आतंकवादियों का सफाया हुआ है, उससे अब आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कल, जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है। ये बहुत ही कायराना हमला है और जिस तरीके से यात्रियों को मारा गया, ये तो गनीमत है कि बस का जो ड्राइवर था उसकी बहादुरी से वो लोग बच निकले। लेकिन ये खतरा जो था इस आतंकवादी हमले का, वो पहले से बताया जा चुका था। उसके बाद भी अगर ये हमला हुआ है तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं तो चूक है। और आतंकवादियों की बौखलाहट तो इसके अलावा जो दूसरी घटनाएं उन्होंने की हैं, जो सेना और पुलिस के कैंपों पर लगातार वो हमले कर रहे हैं, छिटपुट घटनाएं कर रहे हैं, बैंकों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा किसी भी तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं बैंकों या अन्य माध्यमों से, उससे पता लगता है कि इनके नेटवर्क पर जो शिकंजा कसा है सेना ने, वो अपना असर दिखा रहा है। यदि जी बार बार हमले होते हैं, कड़ी निंदाएं होती हैं, लेकिन ठोस कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, ये पहला हमला नहीं है। ये जरूर है कि 2000 के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है अमरनाथ यात्रा पर, लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर हमेशा से इस तरह के विवाद होते रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं का जो एक बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है अमरनाथ की गुफा में, जहाँ शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं लोग, वो श्रीनगर से होकर गुजरता है और श्रीनगर और जम्मू ये इलाका जो है लगातार आतंकवाद की चपेट में रहा है। और 1993 से लेके अभी तक 80 से ज्यादा लोग ये अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। उसके बाद इस बार की यात्रा में खास तौर पर, क्योंकि अभी जिस तरह की वहां पत्थरबाजी चल रही है, जिस तरह की वहां घटनाएं हुई, बुरहान वानी की बरसी को जिस तरीके से वहां पर बड़े तरीके से मनाने की कोशिश की गई, उनको देखते हुए ये इस हमले की आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी। दो तीन दुर्भाग्यपूर्ण बातें इस हमले के दौरान हुई हैं कि एक तो जो बस है वो पंजीकृत नहीं थी, यात्री जो है वो अपनी तरफ से बस कर लेते हैं, राज्यों में तफरी के लिए भी जाते हैं और फिर अमरनाथ भी चले जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन आवश्यक है, तो पंजीयन के बिना भी ये लोग अगर वहां पहुंचे तो बीच रास्ते में भी जहां पर चेकिंग होती है अमरनाथ के रास्ते पर, वहां पर क्यों नहीं देखा गया कि ये यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो सुराग है उसका भी फायदा आतंकवादियों ने उठाया है। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हर बार अमरनाथ यात्रा के पहले जो फिरकापरस्त ताकतें हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। कश्मीर के जो अलगाववादी, वो कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा को हम नहीं रोकेंगे, हमला नहीं करेंगे। या हमारे अमरनाथ यात्रा दरअसल देखा जाए तो वहां पर एक रोजगार का और आय का भी बहुत बड़ा जरिया है। इतने सारे लोग अमरनाथ यात्रा के लिए वहां जाते हैं, इसी बहाने से वहां के लोगों को काम मिलता है, पिट्ठों पर सामान लादा जाता है, लोग वहां खाना पीना करते हैं, होटलों में रुकते हैं। तो देखा जाए तो वहां की अर्थव्यवस्था के लिए अमरनाथ यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। लेकिन इस प्रसंग से परे जाकर जब अलगाववाद सिर उठाता है, जब आतंकवाद सिर उठाता है, तो ये समझ में आता है कि ये इनकी बौखलाहट है। और इस बौखलाहट को खत्म करने के लिए इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो कार्रवाई हुई है, इससे आगे जाकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होगा, तभी मुझे लगता है कि इस तरह के हमले रोके जा सकते हैं। भारत जिस तरह से आतंकवाद से लड़ रहा है, क्या वह सही तरीका है या फिर क्यों नहीं आतंकवाद की जड़ पर ही प्रहार किया जाता है? मुझे लगता है कि आतंकवाद से लड़ने की कोशिशों में तेजी जरूर आई है, लेकिन हम उससे आगे नहीं जा पाए। और अब वक्त आ गया है कि हमें निश्चित तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए इससे बड़ा कोई उपक्रम रचना होगा, हमें इससे बड़ा कोई साहसिक कदम उठाना पड़ेगा, एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए। देखिए, जड़ की बात करें तो वो पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान के ऊपर सीधा हमला करके दो देशों के बीच के युद्ध, जिसमें विश्व राजनीति भी शामिल हो जाएगी, वो निश्चित तौर पर अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की घेराबंदी की जा सकती है, पाकिस्तान के सप्लाई नेटवर्क को काटा जा सकता है, दुनिया के दूसरे देशों को साथ में लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि हम इजराइल की बात करते हैं, लेकिन इसमें अमेरिका सबसे बड़ा सबक है। अमेरिका में 9/11 का जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से उन्होंने कोई बड़ा आतंकी हमला अपने यहाँ नहीं होने दिया है। जिस देश में जहां जाकर उनको आतंकी खतरा नजर आया, वहां जाकर उन्होंने कार्रवाई की है, मारा है, अफगानिस्तान में गए हैं, पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा है। मुझे लगता है कि हम अगर इसी तरीके से चिन्हित ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान के आतंकी, जिसको बीच में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कहा और किया भी, लेकिन इतना व्यापक इन आतंकियों का नेटवर्क है कि उसको खत्म करने के लिए एक दो हमले पर्याप्त नहीं है, नाकाफी है। और अब किसी बड़े हमले की तैयारी करके इस नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। यह जरूर है कि अब पुरुषार्थ दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का और आतंकवादियों को यह बताने का कि अब आप इस तरह के छुटपुट या दूसरे अन्य हमलों के माध्यम से भी हमें डरा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। दरअसल इसके बाद भी अगर अमरनाथ यात्रा जारी है तो ये भारत के लोगों के और वहां के तीर्थयात्रियों के बुलंद हौसले का प्रतीक है। लेकिन
अब सहने की अति हो चुकी है। देश में जबरदस्त गुस्सा जो इस हमले के बाद है वो इसीलिए है कि हम अच्छी कोशिश करें, अच्छे प्रयास करें, व्यवस्था लागू करने की कोशिश करें और इस तरह का आतंकवादी हमला हो जाता है जो कि निश्चित तौर पर देश के पूरे ताने बाने को बिगाड़ देता है। ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत को बहुत हल्के में ले रहा है? निश्चित ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। वो लगातार सीमा पर भी गोलीबारी करता रहता है और संघर्ष विराम का भी उल्लंघन करता रहता है और उसको सबक इसलिए नहीं मिलेगा कि दिक्कत ये कि पाकिस्तान को जब अपने जाल में फंस चुका है। पाकिस्तान के पास खुद के पास तो इससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं है। अगर भारत उसके आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर देता है तो ये पाकिस्तान के लोकतंत्र पर भी, वहां की जमहूरियत पर भी एक बड़ा एहसान होगा क्योंकि वहां जमहूरियत आजादी के बाद से कायम ही नहीं हो पाई है। इन 70 सालों में पाकिस्तान कहां है और हम कहां, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उन्होंने अपने लोकतंत्र का उपयोग किस तरीके से किया है। वहां सैन्य शासन है, वहां आतंकी शासन है, वहां मसूद अजहर जैसे लोग, हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं। तो उस पाकिस्तान को आतंकवादियों की ऐशगाह बना दिया जिस पर खुद का पाकिस्तान का बस नहीं है और उससे उसको कोई बाहर निकाल सकता है उस नर्क से तो वो भारत ही निकाल सकता है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।